जर्जर पुल सोमवार से बंद किया जाएगा। अनूपगढ़ से रायसिंहनगर जाने वाले रास्ते में अंबेडकर चौक से आधा किलोमीटर पर घग्गर नदी नाली पर वर्षों पुराना पुल जर्जर हालात में है, जो कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस पुल पर प्रतिदिन हजारों वाहन एवं राहगीर गुजरते हैं। विभिन्न संगठनों ने कई बार प्रशासन को इस पुल का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। हालांकि विगत जनवरी माह में ग्रेव द्वारा इस पुल के पास से डायवर्सन बना दिया गया था ताकि इस पुल को नया बनाया जा सके, लेकिन आगामी कार्रवाई कागजों में ही अटक गई थी। ग्रेव के बीआर द्वितीय सी वही कृष्ण व जय राम किशोर मीणा ने आज पूछने पर बताया कि उक्त पुल भारतमाला के अंतर्गत आ गया है तथा मंजूरी मिलने पर ग्रेव द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा। सोमवार से इस जर्जर पुल को पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। यह जनवरी माह में बना था। लेकिन ये पुल तोड़ के नया कब बनाया जाएगा, अभी तक इसका कोई भी पुख्ता या पुष्टि या किसी भी तरीके से कोई भी जवाब नहीं आ पा रहा। ये देखिए, साइड में डाइवर्सन भी बनाया हुआ है ग्रेफ के द्वारा, और पुल के हालात देखिए। ये देखिए, राजस्थान रोडवेज की बस डाइवर्सन पर से जा रही है। ये अभी ग्रेव के द्वारा ये पुल के ऊपर कुछ ईंटों के द्वारा ये आधा रास्ता अवरुद्ध सा किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए। ये देखें, यहाँ एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त है, कृपया धीरे चलें, क्षमता 18 टन। लेकिन नियमों का पालन कई बार नहीं भी करते बड़े ट्रक वाले या जो भी है, इस पे से निकाल लेते हैं, जान जोखिम में डालते हैं खुद की स्वयं की। राजेश कुमार अनूपगढ़ से, पत्रकार, धन्यवाद।